मजदूर के लिए लूट है, हत्या है, बलात्कार है, व्यभिचार है, विकास है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, उस पर चर्चा, उस पर बहस करो ना। अब सनातन के बहस कर रहे हो, जो सनातन सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य कर रही है, जिसने सबको गले लगाया। हिंदुस्तान ही एक ऐसा जगह है, भारत ही एक ऐसा देश है, जहां पर सनातन ने सबको समाहित किया, सबको गले लगाया और सबको पलने फूलने का अधिकार दिया। जब मेरा सवाल ये है, जब यह देश बाइबल से नहीं चलता, कुरान से नहीं चलता, गीता से नहीं चलता, रामायण से नहीं चलता, रामचरितमानस से नहीं चलता, सनातन से नहीं चलता, जब यह देश संविधान से चलता है, तो संविधान ने आपको क्या अधिकार दिया है क्या कि एक धर्म को गाली दो, टारगेट करो? मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, यहाँ से ये कहूँ कि मैं पूरे देश में रहने वाले सभी सनातनियों से अपील करता हूँ कि इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए इस हिंदुस्तान की धरती पे से। क्या ये संभव है क्या? मैं ये कहूँ कि ईसाई को इस हिंदुस्तान की धरती से खत्म कर देना है, ये संभव है क्या? ये हो सकता है क्या? ये हमको अधिकार है क्या? ठीक है, हमको स्वतंत्रता मिली है, संविधान ने अधिकार दिया है बोलने के लिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये थोड़ी ना होता किसी संस्कृति को आप गाली दो, किसी धर्म को टारगेट करो। आप देखिए डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 दिनों पत्रकारों की हत्या हो जाती है, नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, क्या स्थिति हो गई? कहने का मतलब है सिर्फ हम ही मिले हैं, सनातनी ही मिले हैं, जो जी मैं बोलोगे, ये तो नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहे तो दुख इस बात के है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये कहते हैं कि मोदी को मजबूत करोगे तो सनातन मजबूत होगा। अरे भाई, आपका विरोध मोदी से, आपका विरोध संघ से, आपका विरोध बीजेपी से, आप बीजेपी का विरोध करो ना। बीजेपी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे, बीजेपी का विरोध करते करते आप सनातन का विरोध करने लगे, आपके पार्टी के घटक दल के लोग ये कहने लगे कि सनातन को खत्म करना है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कुष्ठ रोग है, ये तो नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं अपील करता हूं इस प्रेस के माध्यम से पूरे देश में रहने वाले सनातनियों से, जग जाओ और इनका मुंहतोड़ जवाब दो, कानूनी तरीके से जवाब दो, नहीं तो मेरे पास मताधिकार है, अधिकार के प्रयोग करके इनको जवाब दो। मैं अभी एक देवासरिफ में कार्यक्रम कर रहा था उत्तर प्रदेश में, जहां पर 100% इस्लाम के मानने वाले वहां पे लोग हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और उन विधायक को आने से सनातनी ने रोक दिया कि आपके पार्टी में जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को गाली देते हैं, इसके नाते आप इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते। इसके नाते मैं आभार व्यक्त करता हूं लोगों को, ऐसे ही पूरे देश में जो सनातन को टारगेट करे, जो सनातन को गाली दे, जो हिंदू कहे मिटा देंगे, जो ये कहे इस पंथ निरपेक्ष देश में, धर्म निरपेक्ष देश में, जहां पर संविधान का राज हो, वहां पर यह कहे कि सनातन को मिटा देंगे, तो मैं अपील करता हूं सभी सनातनियों से, मैं अपील करता हूं आज मुंबई की धरती से कि आप इनका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। दुख इस बात की है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की धरती है, जिन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन आज शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं कि अयोध्या में जब राम भक्तों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि अयोध्या में इकट्ठा करने के बाद गोधरा जी से कांड किया जाएगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है जिसने यह कहा हो कि मुंबई के शिवसैनिकों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया, शिवसैनिकों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया। मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, हमारे पार्टी के लोगों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया। आज उनके बेटे का शब्द क्या है? विषय यह है, या तो आप घमंडिया गठबंधन में हो तो सीधे सीधे तौर पे ये कहो उनको कि ये नहीं चलेगा, या तो फिर साफ तौर पर आप मना कर दो कि हम आपके साथ नहीं है, क्योंकि सनातनी इससे बहुत आत है। पूरे देश में क्या है कि संत क्या है कि सदैव शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग माला तो हाथ में ही है, लेकिन माला के साथ में संतों के साथ में भाला भी है, ऐसा नहीं है। ये वक्त ना आ जाए, ये नौबत ना आ जाए कि जो स्थिति परिस्थिति देश के राजनेता बना रहे हैं,
मैं पुनः निवेदन करूंगा मीडिया बंधुओं से, जो स्थिति परिस्थिति देश के राजनीतिक दल के लोग बना रहे हैं ये दुर्भाग्य की बात है, ये नहीं चलने वाला है, एकदम नहीं चलने वाला है। जिस दिन सनातनी 80% को आप खत्म करने की बात कर रहे हो।